धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं मनीष रॉ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस एडिटिंग का प्रीसेट भी मैंने आपको दे दिया है, बट अगर आप चाहते हैं एडिटिंग सीखना, तो जैसा भी आपने स्टार्टिंग देखा और इस तरह की वीडियो आप बनाना चाहते हैं, सीख के बनाना चाहते हैं, कौन सी इफेक्ट कहाँ पर कैसे वर्क करता है ये देख कर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो देख लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, आप आसानी से इस तरह की और भी एडिटिंग कर पाएंगे अलग अलग इफेक्ट को यूज करके, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एडिटिंग बताता हूँ। ऐसे प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप सिंपली एडिटिंग करना चाहते हैं, मतलब स्टेटस सिर्फ बनाना चाहते हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट मोशन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, 900 का रेसो सेलेक्ट कीजिए, रेजोल्यूशन 1080, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं, तो बैकग्राउंड ब्लैक करिए। क्लिक यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद आपको जो भी इमेज पे एडिटिंग करना है सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे फिल कंप्रेशन एक कर लीजिएगा, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के आइकन पे जाइएगा, ऑडियो में जाइएगा, जो भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मैं ये वाला सॉन्ग ले लेता हूँ, देख सकते हैं ये वाला सॉन्ग है धीरे धीरे से। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं कट कर लेता हूँ, स्टार्टिंग से इसे लेकर आ जाते हैं और फिर इसके लास्ट में चलते हैं। लास्ट में आने का पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर को लास्ट तक खींच लेंगे, ठीक है। पिक्चर अपने अच्छे क्वालिटी में मतलब अच्छे तरह से यहाँ पे फिट हो चुका है। अब हमें लिरिक्स एडिट करना है। फ्रेंड्स, इस पर एक इफेक्ट का वीडियो भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया, उसे आपको डाउनलोड कर लेना, उसका यूज़ हम करेंगे लास्ट में। तो पहले यहाँ पर प्ले करके इसे देख लीजिए, फर्स्ट लिरिक्स आपका क्या है, धीरे धीरे से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आएंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे धीरे धीरे से, ठीक है। अब इसे अलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे रोबोट रूलर पे क्लिक कीजिएगा और लेमन मिल्क को बोल्ड करके एक फॉन्ट आता है, उस फॉन्ट को आपको ले लेना है, ये वाला फॉन्ट है, ठीक है। अब इसका साइज ये 18 PT है, तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक कीजिएगा और इसे आपको कर लेना है, आपको 36 तक बढ़ाते हैं, देखते हैं कितना होता है, सही है 36 पे रहने देते हैं। और लिरिक्स को आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं, आपको जहाँ पे भी स्पेस मिले आप रख सकते हैं, मैं यहाँ पे नीचे रहने देता हूँ, यहाँ पे स्पेस सही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। रखने के बाद इसका कलर जो यहाँ पे व्हाइट कर देंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी राइट क्लिक कर लेंगे, यहाँ बॉर्डर एंड शैडो में जाकर शैडो को यहाँ पे ऑन कर देंगे और शैडो का साइज जो है यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीट लगाए तो वहाँ पे आएंगे और जो टेक्स्ट है एक्स्ट्रा उसे कट करेंगे, बीट को हटा देंगे क्योंकि बीट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें हमें इफेक्ट देना है, तो इफेक्ट आपको क्या देना है, सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइए, ऐड फीडबैक क्लिक कीजिए, यहाँ पे मेटर मास्क का ऑप्शन देख रहे हैं, इसे सेलेक्ट कीजिए, वाइप को सेलेक्ट कीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए, कुछ इस तरह से आएगा। आपको इन स्टार्ट में कुछ नहीं करना है, इंड पे आ जाना है, ठीक है। इंड पे आने के बाद फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसका सेंटर हो रहा है, तो सेंटर में हम तब तक के लिए बीट लगा देते हैं, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। अब आपको सेंटर में बीट लगा दिया, तो क्या कीजिएगा, सेंटर से थोड़ा आगे आ जाइएगा, यहाँ पे एक की लगा लीजिएगा, फिर इसके स्टार्टिंग में आइएगा, यहाँ पे भी एक की लगा लीजिएगा। की लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे आपको क्या करना है, यहाँ पे इन सेकेंड वाला जो है ये 100 है, फर्स्ट वाले पे आइएगा और इसे कर दीजिए -4.5 ये थोड़ा सा और यहाँ पे, ठीक, परफेक्ट। इसमें कोई कर्व नहीं देना है आपको, नीचे आना है एंगल पे, एंगल पे आने के बाद 5.0 इसे कर लीजिएगा, परफेक्ट 5.0। अब थोड़ा और नीचे आइएगा फेदर पे, फेदर पे आने के बाद इसे आपको 30 कर देना है, परफेक्टली 30 ही रखेंगे, आगे पीछे मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये रहा परफेक्ट 30, ठीक है। अभी आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वाइप पे क्लिक कर देना है, नीचे चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल रीडीज वाला जो ऑप्शन आता है उसे लेना है, तो ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं FRA, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन पर आ रहा है प्रैक्टिकल रीडीज करके, ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए स्क्रीन पर, मुझे बोलने में तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फ्रैक्टल रीडीज करके है, तो इसे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए, फ्रैक्टल रीडीज को ओपन कीजिएगा। इसका पैरेलेक्स 0 सही है, ऑफसेट भी 0 सही है। यहाँ पे एबुलेशन का ऑप्शन देख सकते हैं, एबुलेशन पे आ जाइएगा और फिर से एबुलेशन में आने के बाद इसके स्टार्टिंग में की लगा लीजिएगा, की लगाने के बाद इसे 0.01 कर दीजिएगा, ठीक। अब इसके लास्ट में आ जाइएगा, लास्ट में आने के बाद यहाँ पे की लगाइएगा और की लगाने के बाद इसे 0.90 कर देना, 0.90 थोड़ा ज़्यादा हो गया, बस यहाँ पे 90 ये रहा, परफेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ बीच में बीट लगाए उसे हटा देते हैं, इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब स्केल 100 सही है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये भी सही है, नहीं हाँ सही है,
और इंटरसिटी पे आइएगा, और इंटरसिटी पे आने के बाद ये वन है तो इसे 1.50 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट लास्ट में। अब यहाँ पे सीड जीरो है ही सही है, यहाँ पे कलर जो है तो इसका कलर ब्लैक है, इसे आप वाइट कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। और कलर टू जो है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, और वाइट वाली लाइन में जो थ्री नंबर पे है इसे सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे ऑक्टोबस जो है ये सिक्स है, इसे आपको वन कर देना है। परफेक्ट फ्रैक्टल डिटेल्स पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। अभी आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड फ्री पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एक्सपोजर गामा आपको कलर एंड लाइट में मिल जाता है, इसे सेलेक्ट कीजिएगा, एज स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। करने के बाद एक्सपोजर गामा को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपोजर को 0.50 कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा जो यहाँ पे कलर इफेक्ट इसमें आ रहा है साफ हो जाएगा। अब गामा इसका सही है, इसमें आप कुछ नहीं करना है, ठीक है, एक्सपोजर गामा पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। यहाँ पे आप ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च में चलने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना है BLO, तो यहाँ पे ब्लॉक डिसोल्व का ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। ब्लॉक डिसोल्व को ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, लास्ट में आ जाना, परफेक्ट लास्ट में आने के बाद यहाँ पे एक की लगा लीजिएगा और उसे थोड़ा आगे आ जाइएगा, इतना काफ़ी रहेगा, यहाँ पर भी एक की लगा लीजिएगा। की लगाने के बाद इसे आपको क्या करना है, 0.03 कर देना है, ठीक है, तो 0.03 ये रहा, ये तो थ्री नहीं है तो फाइव हो रहा है, चलिए जो हो रहा है उसे रहने देते हैं। फिर इसके स्टार्टिंग वाले मतलब लास्ट वाले में चले जाएंगे और इसे आपको 0.992 कर देना है, मतलब 992 कर दीजिएगा, ठीक है, 992, मतलब टू नहीं हो रहा है तो फाइव हो रहा है, तो 995 हम कर देते हैं। अब ये दोनों के बीच में आइएगा, ठीक है, और यहाँ कर्व पे क्लिक कीजिए, कर्व पे क्लिक करना है, इसे इतना पे रख लीजिएगा और इसे इतना पे रख लीजिएगा, इस तरह से परफेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ से ये गायब होगा जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से बैक आइएगा, इसका साइज जो है फ्रेंड्स इसे आपको कर देना है 115, ठीक है, परफेक्ट इतना। अब थोड़ा और नीचे आइएगा, यहाँ पे स्ट्रेच का ऑप्शन दिख रहे हैं, तो स्ट्रेच में आपको एक्स वाई मिल रहा है, तो एक्स को आपको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो 10 कर दीजिए, 1.10, ठीक है, और वाई को आप सिलेक्ट कीजिएगा और इसे आपको डाउन करना है और 0.01 कर देना है, परफेक्ट। यहाँ पे अब कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइनिंग लाइनिंग होकर ये कट रहा है, ठीक है, बस ये लास्ट में जो हम की दिए हैं उतना ही दूर का ये इफेक्ट है और ज़्यादा नहीं है। अब सीड पर क्लिक कीजिए, सीड को आपको 40 कर देना है, 0.40, ठीक है, यहाँ पे मतलब 40 करना है, तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये रहा। अब फीड पे क्लिक कीजिए, फीड 00 है, इसे कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे ऑफसेट भी 00 है, इसे कुछ नहीं करना है। हमारा फर्स्ट इफेक्ट फ्रेंड्स कंप्लीट होगा, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी को सिलेक्ट कीजिए, वाले ऑप्शन टैप कीजिए, कॉपी लेट कर लीजिएगा, इसके एंड में आ जाइएगा जहाँ पर ये खत्म हो रहा है वहाँ पर आइएगा और फिर ये वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, पेस्ट लेयर कर दीजिएगा, तो सेकेंड लाइन जो हमारे यहाँ पर आ गया। अब इसे प्ले करके देख लेना सेकेंड लिरिक्स क्या है, जिंदगी में, तो यहीं तक आ रहा है, तो सिंपली इस पर सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन पर क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा जो कट कर देंगे, तो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, तो यहाँ पे जो लिखा हो उसे क्लियर करेंगे और यहाँ लिखेंगे मेरी, ये क्या लिख दिया मैंने, मेरी जिंदगी, जिंदगी और यहाँ पे मैं, परफेक्ट। और ये तीन लाइन में हो गया, तो फ्रेंड्स इसे हम थोड़ा सा खींच देंगे तो दो लाइन में रहेगा, अब राइट क्लिक कर लेंगे, तो परफेक्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आगे का लाइन भी आपको करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म हुआ वहाँ पे आइएगा और इस वाले ऑप्शन टैप करके पेस्ट क्लियर कीजिएगा, इसी तरह से आगे की तरफ पूरा लिरिक्स आपको चेंज करते चले जाना है, पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, काफ़ी ईजिली टेक्स्ट इफेक्ट कंप्लीट होगा। अब एक आपको पार्टिकल वीडियो मैंने दिया, वो तो ऐड करना आपको आता ही होगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पार्टिकल को ढूंढने की, तो वैसे मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया है, तो आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है, मीडियम जाना है और यहाँ पर मुझे मिलेगा डाउनलोड में, क्योंकि मैंने डाउनलोड करा था, और आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, तो मैं डाउनलोड में आ गया हूँ बट यहाँ पे मिलेगा नहीं, कुछ मेहनत करना होगा मुझे, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करता हूँ, फिर ऐड करके दिखाता हूँ कैसे ऐड करना है। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो इसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर प्लस करते हैं, कुछ इस तरह से आ गया। अब इसे सेलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंप्रेशन कर देंगे, यहाँ पे ऐसा आपको करना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, मैंने ये दूसरा वाला वीडियो यूज़ कर लिया, आपका शायद फुल स्क्रीन में ही वीडियो मिलेगा, और वीडियो में आपके साउंड होगा तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा, साउंड म्यूट कीजिएगा, सॉन्ग को सिलेक्ट कीजिएगा, सॉन्ग के लास्ट में आइएगा, जो एक्स्ट्रा वीडियो होगा उसे सिलेक्ट करके कट कर लीजिएगा,
वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, ब्लेंडिंग में जाइएगा, लाइट एंड पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीन कर दीजिएगा। अभी स्टार्टिंग मार्कअप प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एडिटिंग है कंप्लीट हो जाएगा। अब जब एडिटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाली ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगा। पार्टिकल जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आता हूँ उसका जो मटेरियल होता है जो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ वहीं पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आपको वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होती है और काफ़ी ईजिली आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसी तरह की और भी एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।